फ्रेंड्स, मैंने आपको एक छोटा सा समरी दिया है कि हमारा जो चैप्टर है उसमें उन्होंने कौन कौन से रिस्क के बारे में बात किया है। सबसे पहले उन्होंने समझाया स्ट्रैटेजिक रिस्क, उसके बाद कॉम्प्लायंस रिस्क, फिर ऑपरेशनल रिस्क और लास्ट में फाइनेंस रिस्क। ये चार रिस्क के बारे में उन्होंने बताया हमको। जो स्ट्रैटेजिक रिस्क है, इन दैट से उन्होंने हमको क्या क्या एग्जांपल्स दिए हैं। एक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, न्यू कॉम्पिटिटर अदर मार्केट, दैट इज मार्केट में एंटर होगा वो, शिफ्ट इन द कस्टमर्स डिमांड, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, और दूसरा कोई लार्ज स्केल का चेंजेस होगा, दैट इज स्ट्रैटेजिक रिस्क। केस स्टडीज में उन्होंने तीन केस स्टडीज दिए हैं, दो नेगेटिव, कोडेक और नोकिया का, और एक पॉजिटिव। कॉम्प्लायंस रिस्क में हमने ऐसा समझा, दैट से जो लॉ फुलफिल करना है वो हमने फुलफिल नहीं किया, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ कॉम्प्लायंस रिस्क। उसमें एक उन्होंने किंगफिशर का एग्जाम्पल दिया है, CCI वाला, एक गूगल का एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था। ऑपरेशनल रिस्क में बहुत डिटेल में नहीं है, देयर आर ओनली टू थिंग्स, पीपल और प्रोसेस का, वो हमने समझा था। फाइनेंस रिस्क में उन्होंने ये जो पोर्शन है वो सबसे बड़ा उन्होंने कवर अप किया है, इन दैट से द प्राइसेस, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेटिंग एंड इंटरेस्ट रेट। इनिशियली इन चारों के बारे में उन्होंने बताया हमको फाइनेंस रिस्क। देन दे हैव एक्सप्लेन्ड अस से समथिंग अबाउट द काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी का मतलब क्या, सामने वाली पार्टी, जिसको हमने गुड्स क्रेडिट पे बेचा है, जिसको हमने लोन दिया है, जिसको एडवांस पेमेंट किया है, वो बाद में उस पर दो चीज कवर किया है। हिंट्स फॉर द काउंटर पार्टी रिस्क, कब हमको सिग्नल मिलेगा कि अभी ये डिफॉल्ट करेगा, और क्या क्या टेक्निक्स है से उसको मिटिगेट करने के लिए। फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन, एनी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, हॉस्टाइल एक्शन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, लेट डाउन बाय द थर्ड पार्टी, एंड वो इंसॉल्वेंट हो गए। दीज आर द सिग्नल्स। टेक्निक्स में उन्होंने क्या बताया, कैरिंग आउट द ड्यू डिलीजेंस बिफोर डीलिंग विद एनी थर्ड पार्टी, डू नॉट कमिट टू अ सिंगल एंटिटी और द ग्रुप ऑफ द कनेक्टेड एंटिटीज, नो योर एक्सपोजर लिमिट, रिव्यू द लिमिट्स एंड द प्रोसीजर फॉर द क्रेडिट अप्रूव रेगुलरली, तो उसको रेगुलरली अप्रूव, दैट इज अ रिव्यू करना चाहिए। रैपिड एक्शन इन द इवेंट ऑफ एनी लाइकलीहुड ऑफ द डिफॉल्ट, यूज ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज वॉट वी अंडरस्टैंड इज द टेक्निक्स। उसके बाद थर्ड उन्होंने कवर किया है, नेक्स्ट उन्होंने कवर किया है पोलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स, अगर अमेज़न इंडिया में आके बिजनेस करता है तो उनको जो रिस्क है इंडियन गवर्नमेंट से, उसकी बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन, कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंसिस्टेंस ऑन द रेसिडेंशियल इन्वेस्टर और द लेबर, रिस्ट्रिक्शन ऑन द कन्वर्जन ऑफ द फॉरेन असेट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो ये आइडेंटिफाई हो रहा है। एडवर्स एक्शन बाय द गवर्नमेंट, कॉन्फिस्केशन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओवरसीज प्रॉपर्टीज, रोटेटिंग ऑफ द रेमिटेंस ऑफ लाइक द होम करेंसी, रेशनिंग ऑफ द रेमिटेंस, इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द लोकल करेंसी ऑफ द होस्ट कंट्री इन टू फॉरन करेंसी, रिस्ट्रिक्शन एज बोरोइंग, इनवेलिडेंट ऑफ द पेटेंट्स, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो सिर्फ आप नहीं हम लोग भी बना सकते हैं, प्राइस कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसको मिटिगेट कैसे किया जाएगा उसके लिए उन्होंने बताया, रिफर टू द पॉलिटिकल रैंकिंग, क्या ये न्यूट्रल गवर्नमेंट है, क्या ये स्टेबल गवर्नमेंट है, पब्लिश बाय द डिफरेंट मैगजीन्स, एवेल्युएटिंग द कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉपुलरिटी ऑफ द करंट गवर्नमेंट एंड असेस देयर स्टेबिलिटी, टेक एडवाइस फ्रॉम द एम्बेसीज ऑफ द होम कंट्री, यानी जो अमेरिका का एम्बेसी इंडिया में होगा उनसे एडवाइस लो, लोकल सोर्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, यहाँ पे बिजनेस दे दो, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदो, एंटरिंग इन टू जॉइंट वेंचर, यहाँ का कोई लोकल पार्टनर बना लो, और नेगोशिएशन करो।
देन जो हम लोग अभी फाइनेंस रिस्क कर रहे हैं ना उसी में है इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसी में है। आइडेंटिफाई कैसे होगा? इन दैट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट लाइक डीमोनेटाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलीज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेटा, इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट चेंजेस। देन करेंसी रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होगा? गवर्नमेंट एक्शन, जैसे कि यूके में ब्रेग्जिट किया था, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, नेचुरल कैलामिटीज हो जाता है, वॉर है, कुप है, रीबेलियन है, चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। सो अगेन एक छोटा सा समरी पूरे चैप्टर का, ये जो रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है उसमें उन्होंने आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ द रिस्क फेस पर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें उन्होंने चार रिस्क के लिए पहले बताया है। वन इज द स्ट्रेटेजिक रिस्क, अनदर इज द ऑपरेशनल रिस्क, द थर्ड इज द पॉलिटिकल रिस्क, एंड दैट इज कॉम्प्लायंस रिस्क, एंड देन सेट इज द फाइनेंस रिस्क। तो ये चार रिस्क के बारे में बताया है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएंगे। देन वी ए आर, वी आर का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस किया। इवैल्यूएशन ऑफ द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क, तक इन फाइनेंशियल रिस्क को आगे डिस्कस किया। तो स्ट्रेटेजिक, कॉम्प्लायंस, ऑपरेशनल, फाइनेंस रिस्क, एंड वन मोर इट इज द लिक्विडिटी रिस्क। पांच रिस्क के बारे में उन्होंने बताया। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटेजिक, द सेकेंड इज द कॉम्प्लायंस दैट इज लॉ फुलफिलमेंट, द थर्ड इज द ऑपरेशनल दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनल मैनेजमेंट, द नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क अगेन बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। प्राइस है, एक्सचेंज रेट है, क्रेडिट रेटिंग और इंटरेस्ट रेट है, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है। सो द काउंटर पार्टी रिस्क, पोलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का रिस्क बेसिकली इट इज एप्लीकेबल फॉर अ बैंकिंग कंपनी और कोई और ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें पैसा मिलने वाला है और पैसा पे करने वाले हैं, उसका टाइमिंग का ऐसा गैप हो जाता है कि जिसकी वजह से यू हैव अ लिक्विडिटी क्रंच। काउंटर पार्टी दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। पॉलिटिकल रिस्क, उसमें ऐसा ध्यान में रखने का है, लेट्स से द अमेज़न इज डूइंग बिजनेस इन इंडिया, सो these are what we understand is the kind of the political risk that they have. Interest rate risk पे उन्होंने दो चीज बताया है कि अगर हमने borrow किया है at floating rate और rate ऊपर जा रहा है, अगर हमने borrow किया at fixed rate और floating rate नीचे जा रहा है, that is what we understand. Currency risk में so they have spoken about that, say अगर हम लोग investment कर रहे हैं कहीं पे, and that say the currency in which you are making investment is devaluing, आप goods import कर रहे हैं और जो currency में आपको payment करना है वो currency appreciate हो रहा है, या तो आप export कर रहे हैं और जो currency में आपको consideration मिलने वाला है वो currency depreciate हो रहा है। उसके बाद liquidity risk, that is again what we have discussed, कि हमको जो पैसा मिलने वाला है और पैसा जो पे करने वाला है उसका टाइमिंग गैप। इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क, उसमें उन्होंने तीन पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है, इन्वेस्टर, कंपनी एंड गवर्नमेंट। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना डेट फाइनेंसिंग बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा। इक्विटी इन्वेस्टर जो होगा उसको ऐसा लगेगा, डेट से भाई इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितना कंपनी का डेट फाइनेंसिंग ज्यादा से उतना मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो अर्निंग है, वो कंपनी का अर्निंग क्या होता है, बेसिकली फ्लक्चुएट होता रहता है, इट फ्लक्चुएट लाइक दिस, और कंपनी का जो इंटरेस्ट का खर्चा होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। सो इट मे हैपन दैट से देयर आर सर्टेन इयर्स इन व्हिच द कंपनी इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और उस केस में कंपनी लिक्विडेशन में जा सकता है। That is from the investor point of view. Company के point of view से same risk ही है। Let's say excessive debt financing लिया,
then in that case the chances of the liquidation. गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्क है कि जैसे जैसे कंपनीज लिक्विडेशन में जाएगा इन्वेस्टर्स का भरोसा कम होता जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा एंड देयर विल बी अ डिस्ट्रेस. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ रिस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, एग्जामिनेशन में पूछा गया है. वी ए आर वर्स्ट सिनेरियो में मैक्सिमम क्या लॉस हो सकता है वो हमको VAR बताता है. तो VAR gives answer that से कितने समय में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है और वो होने का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है. जितना भी कॉन्फिडेंस लेवल है उसके बाकी जो बचेगा दैट इज फॉर द चांसेस दैट से हमारा कंक्लूजन कम हो, दैट इज कंक्लूजन रॉन्ग होगा. फ्रेंड्स आपको फीचर्स है, एप्लीकेशन है, उन सबका अच्छी तरह से पता होना चाहिए. So, we have understood the concept कि worst scenario में क्या होगा, वो time period है, confidence level है, loss amount है, वो बताता है. Now, features of the VAR. तो friends, इसके ऊपर अपने को question पूछ सकते हैं. Features of the VAR से उसमें हम लोग को बताने का है, let's say what are the components of the calculation, that is the first thing. सेकेंड स्टैटिस्टिकल मैथड है, टाइम होरिजोन, प्रोबेबिलिटी, कंट्रोल रिस्क एंड जेल स्कोर. सबके लिए थोड़ा आपको लिखना है. एप्लीकेबिलिटी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है एग्जामिनेशन में एंड यू हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज इन गिविंग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हम लोग कुछ आगे पीछे का लिख नहीं सकते हैं. फिर ये वाला जो सेगमेंट है अगेन वो फाइनेंशियल रिस्क में आगे डिटेल में बात करता है. करेंसी रिस्क, सॉरी काउंटर पार्टी, पॉलिटिकल, इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी रिस्क, द वेरियस हिंट्स फॉर काउंटर पार्टी. हिंट देता है कि ये पार्टी अभी डिफॉल्ट करेगा, कौन कौन से टेक्निक्स है जिसके हम लोग उसको मिटिगेट करेंगे. पॉलिटिकल रिस्क अगेन उसमें दैट से फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री कैन बी आइडेंटिफाइड. होस्ट कंट्री जो होगा वो ऐसा कुछ करेगा ना तो उसका मतलब ये है कि भाई हमको लॉस होगा. दैट इज अ पॉलिटिकल रिस्क दैट से वी हैव, दैट इज अमेजोन हैज व्हेन दे डू बिजनेस इन इंडिया. तो उसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है उसका हमको यहाँ पे दे रखा है. दीज आर द वेज दैट से यू कैन मिटिगेट देम. ये रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है. इंटरेस्ट रेट रिस्क, फ्रेंड्स हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो डेरिवेटिव वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बहुत अच्छी तरह से कवर होता है. तो सिर्फ उन्होंने दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एक्शन बाय द गवर्नमेंट फॉर डीमोनेटाइजेशन, दीज आर कंसीडर्ड टू बी द इंटरेस्ट रेट रिस्क. उसके मिटिगेशन के लिए इतना नहीं बताया है क्योंकि वो बाद में कवर होगा. करेंसी रिस्क, इन दैट गवर्नमेंट एक्शन, nominal interest rate, inflation rate, that is what we understand is the then natural calamities, war, change in the government, these are what we understand is the currency risk that they have. तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है. अगेन उसको मिटिगेट करने के लिए वी हैव सर्टन डेरिवेटिव्स, ट्रांजेक्शंस कॉल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप ट्रांजेक्शन, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन in our chapter of foreign exchange risk management.